कुछ दिगर खबरें आप तक पहुंचाएं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। बीपीएससी सुस्त रवि से पर्ची लेने लगा। मुख्तलिफ महकमों की पोस्टों पर एक साल बाद भी तहरीरी इम्तिहान ना हो सका। इस हवाले से मजीद जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताइए क्या क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले एग्जाम्स जब से करप्शन केस पीपीएससी का सामने आया है तब से ताखीर का शिकार हैं। कुछ पर्चे जो हैं वो एक साल गुजर जाने के बावजूद भी नहीं लिए गए। उन इम्तहानात में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एंटी करप्शन के होने वाले जो एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं, वो शामिल हैं। इसी तरह डिप्टी अकाउंटेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसका टेस्ट भी हो गया था, रिजल्ट्स भी आ गए थे और उसमें जो है बच्चों की रिक्रूटमेंट भी हो गई थी, मगर करप्शन के सामने आने के बाद उनको टर्मिनेशन लेटर्स जारी कर दिए गए थे और दोबारा टेस्ट लेने का कहा गया था, मगर एक साल गुजरने के बाद भी वो पेपर ना हो सका। इसी तरह पंजाब जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स हैं वो अब तक नहीं हो सके हैं। जो उम्मीदवार हैं एग्जाम्स देने वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि जो पीपीएससी है उसने जब से करप्शन केस सामने आया है एक साल गुजर जाने के बाद कुछ इम्तहानात नहीं लिए और लेक्चरार के भी पेपर्स हैं जो कुछ नहीं हुए। दो इस हफ्ते में दो एग्जाम्स होने थे लेक्चरारशिप के जो रह गए थे और जो करप्शन केस में शामिल सामने आए थे, मगर वो कोरोना की वजह से मंसूख कर दिए गए। अभी भी पांच ऐसे उम्मीदवारों का शिकवा है कि ओवरएज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलीशबा आपने सवाल से अपडेट किया।